हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि KIIT EE जो है इसके बारे में क्या होती है, ये आखिरकार ये है क्या, ये कैसे, किस तरीके से क्या करनी पड़ती है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसके फॉलो करने पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्या अप्लाई करने के लिए, किस तरीके से सारे रूल्स को जो है इसमें बताने पड़े, देखना है कैसे है, कैसे एडमिशन प्रोसेस क्या है आपको सारे अप्लाई करने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है कि IIIT EE के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कैसे, आपको मैं स्टार्टिंग से क्या करता हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। कैसे, किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, वहाँ पर आपको क्या सर्च करना है कि IIIT EE 2022 पर टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करनी है, सर्च करते यहाँ पर इस पर नहीं क्लिक करना है, 2022 लिखी हुई है और यहाँ पर IAS paper.net लिखी हुई है, तब आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने कुछ ओपन हो चुका है। क्या ओपन हो चुका है कि KIIT के बारे में यहाँ पर जो है सब कुछ मिलेगी। यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर यहाँ पर आपको जो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या, पैटर्न्स क्या, सिलेबस, सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। तो उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर देनी जो सामने आपके फॉर्म है। आप इस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका नाम क्या, आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना, और कौन सा यहाँ पर जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लेना। फिर उसके बाद आपको स्टेट आपका सेलेक्ट करनी होगी, कौन से स्टेट से हैं अपना और सिटी क्या आपकी, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी होगी, गेट फ्री काउंसलर पे फिर क्लिक करनी होगी। तो उससे क्या होगा, गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करने से कि KIIIT EE के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं, सर्च करनी होती है। जैसे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक कर लेते हैं आपके सामने इस तरीके से आएगा, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका होता है, इसका कौन से नाम से जाना जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या लिखा हुआ है कि कंडक्टेड बाय एवरी ईयर, हर साल इसका होता है और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये है, और ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, भुवनेश्वर में ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलिंगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है, स्टेट क्या लिखा है यहाँ पर, कौन से स्टेट में, इस स्टेट का है, ठीक है, कौन सा, ओडिशा स्टेट का यहाँ पर जो है भुवनेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो अप्लाई करने के लिए कैसे, किस तरीके से, अगर आप एलिजिबल, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कोर्सेज के लिए यहाँ पर आप देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ KIIIT EE, क्या लिखा है, KIIIT EE के थ्रू आप जो है आप अपना क्या लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम में अपना जो एडमिशन करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू जैसे बीटेक हुआ, एमटेक हुआ, LLB हुआ, LM हुआ, BSc हुआ, MSc हुआ एंड अदर सर्वर कोर्सेज सारे होते हैं, तो इसमें भी जो भी आप एडमिशन चाहते हैं प्रोवाइड करता है ये कि परफॉर्मेंस जिसका अच्छा आता है वो यहाँ पर एडमिशन जरूर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते थे कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर कुछ फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, टेंटेटिव डेट्स क्या होते हैं अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बाद यहाँ पर आप देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, किस तरीके से फिल की जाती है, एप्लीकेशन फीस कैसे देखी जाती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्जाम पेपर, पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं अलग अलग, अंडर ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सारे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ। इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि अवेलेबल कभी होगा, ऑनलाइन मोड से कैसे, किस तरीके से, दिसंबर में होगा ऑनलाइन मोड से, आपको जो अप्रैल में होगा खत्म हो जाएगा, फिर अवेलेबल होगा एडमिट कार्ड का भी, इस तरीके से चेक करें। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताने से पहले आपको मैं गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि देश के टॉप 7th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लॉर्म एडमिशन चालू है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जरूर लीजिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना, ठीक है, जिस किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर आप देखते हैं इन ऑनलाइन मोड से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KIIIT EE एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड बाय अवेलेबल बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू, ये मेड बनाया गया है और आपको वहाँ से फिल करनी पड़ती है खुद से, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपके एड्रेस क्या हैं, आपके डेट ऑफ प्लेस सब कुछ वहाँ पर जब पूछे जाते हैं, फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएंगी, तो वहाँ पर सब कुछ फिल करने पड़ते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको वहीं आपके स्टेप के हिसाब से आपको जो है आपको टोटल कितनी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस हुई वहीं पर आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट कितना चाहिए, जो भी यहाँ पर क्या बोला गया, 21 जुलाई 2021 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई एंट्रेंस एग्जाम को।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कितना चाहिए, तो 12th आपको कंप्लीट रहना चाहिए, स्ट्रीम साइंस से होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट आपको लिए रहने चाहिए 12th में, तो इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, ये सारे सब्जेक्ट। फिर मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आपको 60% चाहिए अप्लाई करने के लिए, स्कोर कार्ड नाटा का होना चाहिए, बीटेक का यहाँ पर देखते थे कि कोर्स इन फील्ड आर्किटेक्चर में होना चाहिए। फिर एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया फॉर बीटेक लेटरली की तरह, फिर बीएससी के लिए लोअर एज कितना चाहिए, अपर एज कितना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना आपका होना चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, स्ट्रीम कौन सा चाहिए, मिनिमम मार्क्स वही सब सेम है। तो आपको बस आपको देखने आना चाहिए, जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया उसी तरीके से आपको सब देखना है और पढ़ना है यहाँ पर क्या लिखा और यहाँ पर देखना है कि क्या क्या बोला गया ये चाहिए, ठीक है। तो ये पीएचडी के लिए फिर आप चलिए एग्ज़ाम पेपर पर एग्ज़ाम पैटर्न्स के तौर, तो एग्ज़ाम पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्या कर पाएंगे, अप्लाई कैसे करना है। ओके, मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड से आपको जो है करना पड़ेगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस पे होगा टेस्ट, आपका एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर बोला गया है कि आपको 3 hours या 180 minutes का आपके पास टाइम है। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम का यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगा आपके एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 questions पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के लिए, 480 marks के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के, मार्किंग थीम यहाँ पर आपको जितना भी सब करेक्ट रहा है ना, तो सब पे आपको जो 4 marks मिलेंगे, और नेगेटिव मार्क्स यानी कि 1 marks आपको जब टोटल मार्क्स में से माइनस कर दिए जाएंगे अगर जो भी आंसर गलत रहा तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक और बी आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर बताया गया कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस न मैक्सिमम मार्क्स कैसे देखने हैं, यहाँ पर आप देख लेना है इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, बहुत सारे हैं तो सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। बीटेक के लिए बायोटेक्नोलॉजी ड्यूअल डिग्री एंड बीएससी नर्सिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी फोर देख सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, लॉ ऑफ मोशन, वेव ऑक्सीलेशंस, ग्रेविटेशनल्स, ये सारे जो आपके फिजिक्स हैं, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स है, ये बायोलॉजी है, इस तरीके से आपको जो सारे टॉपिक्स बता दिए गए आपको बस स्टडी करने हैं आपके एग्जाम के लिए। बीटेक का यहाँ पर बता दिया मैथ्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिकल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है। तो इसका जो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिशियम, तो यहाँ पर आप सारे जो टॉपिक्स देख सकते हैं, ये टॉपिक्स आपको स्टडी कर लें तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलो प्रिपरेशन टिप्स की तरफ, इस टिप्स को फॉलो किए बिना अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला दिए तो अच्छे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको इस टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं जूम कर दे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, और मैंने प्रिपरेशन टिप्स का ऑलरेडी वीडियो बना दी, जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में बता देता हूँ क्या क्या लिखा गया इसमें। तो लिखा गया इसमें कि डिटेल्स होने चाहिए आपको किस चीज़ के बारे में, कि पेपर पैटर्न्स क्या हैं आपके और सिलेबस में क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मालूम, ये चीज़ के बारे में मालूम हो गई तो आप जो है यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर मटेरियल्स एंड बुक्स आपके पास स्टडी के रिलेटेड होनी चाहिए, प्रिपेयर अ गुड टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे और प्लान करने हैं और पढ़ने हैं आपको, और सॉल्व क्वेश्चन पेपर बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपको जो है आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी, जो लास्ट ईयर के पास टाइम के जो क्वेश्चन पेपर आपको टेस्ट दिए रहेंगे आपने जो भी कहीं पर, तो वो सारी चीज़ें करनी। फिर यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट टेस्ट देने, फिर शुड मॉक टेस्ट यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, फ्लो चार्ट बनाने, माइंड मैप बनाने चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट टॉपिक्स पर आपको जो सारी चीज़ें करनी है, सारी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एडमिट कार्ड की तरफ। एडमिट कार्ड आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बाद रिलीज़ कर दी जाती है, तो इसका डिटेल्स आपको KIIT EE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है रिलीज़ कर दी जाती है, तो वहीं से आपको जो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, बहुत जो है इजी है, तो वहां से आपको जो चेक करेंगे तो डाउनलोड करना पड़ता है आपका एडमिट कार्ड, डाउनलोड करके जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जो क्या करने पड़ेंगे उस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो आंसर की उसके बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो लेकर के जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। अब आंसर की रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद आंसर की चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है वो भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, KIIT EE के थ्रू जो है ऑफिशियल वेबसाइट को ऑनलाइन मोड से आपको जा करके चेक करना होगा, आपका रिजल्ट वहीं पे आपको जो मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाती है तो आपको कहाँ से मिलेगी, मेरिट लिस्ट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू KIIT EE के थ्रू आपको जो मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको जो रिलीज़ कर दी जाती है, वहीं से आपको जो है चेक करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद काउंसलिंग रिलीज़ कर दी जाती है, तो जो यहाँ पर आप देखते हैं KIIT EE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है रिलीज़ कर दी जाती है, वहीं से आपको सारी डिटेल्स इसका इंफॉर्मेशन आपको जो है मिलती रहेंगी। यहाँ पर एप्लीकेंट जो भी डिटेल कम्प्लीटली इसका इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं वहीं पर आपको मिलेगी, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ऑनलाइन मोड से आपको जो है सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये देखते हैं अनाउंस आपको जो जैसे हो जाता है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इंटर एग्जाम रिजल्ट, फिर यहाँ पे नॉमिनेट बाय द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर मेरिट लिस्ट पे बेस होता है, जो तब उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है काउंसलिंग में, पर डिसाइड होता है शेड्यूल बाय द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, डेट डिसाइड होता है। यहाँ पर आप देखते हैव टू
लुक द चॉइस ऑफ कोर्सेस इंस्टीट्यूट, और मतलब सब सारी चॉइस करना पड़ता है इंस्टीट्यूट वगैरह। आफ्टर दैट द एप्लीकेंट विल हैव टू सबमिटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आपको करने पड़ते हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। ये देखते थे कि आपको ऑफिशियल ऑथराइज्ड के थ्रू यहाँ पर देखते थे कि अलॉटेड सीट होती है अप्लीकेंट के लिए, तो जो भी एलिजिबल होते हैं, बेस्ड ऑन अप्लीकेंट चॉइस पे होती है, मेरिट रैंक पे होती है, सीट्स अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। फिर कंप्लीट फाइनल एडमिशन प्रोसेस ऑफिशियल ऑथराइज के थ्रू विल बी देन द हैव रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको जो की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यहाँ पर 10th के 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन मार्कशीट, गेट का यहाँ पर स्कोर कार्ड देख सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अदर क्वालिफिकेशन, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ नेसेसरी फीस जो होती है, DD होती है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें करनी होती है। अगर आपको इसमें जो भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो फ्यूचर पर निकले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।